अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन खान और आज हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को, रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बेटा, जो लास्ट टाइम हम परफॉर्म कर रहे थे, हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गई थी। हमारा चैप्टर वही चल रहा है, प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। तो देखें, शुरू करते हैं। तो बेटा, हमारी जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है आज की, वो है हाउ मच प्रीमियम डज मिस्टर अस्तान पे इफ़ ही हैज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ 20 लाख एंड द प्रीमियम रेट इज़ 2%। बोले जो मिस्टर अस्तान है, उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। कौन सी पॉलिसी ली है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है इंश्योरेंस कंपनी वालों से, ठीक है। और हमने क्या बताना है, हमें बोला हुआ है कि हाउ मच प्रीमियम, कितना सारा प्रीमियम जो है मिस्टर अस्तान पे करते हैं, और उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो टोटल कितने की है मेरा बेटा? 1 करोड़ 20 लाख की, यूनिट 10 लाख और करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख की उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उनका जो प्रीमियम रेट है बेटा वो कितना है? 2%। मींस आप 1 करोड़ 20 लाख का 2% आप जो है वो सेमी एनुअली के ऊपर या एनुअली या आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किसको पे करते हो बेटा? इंश्योरेंस पॉलिसी को आप क्या करते हो मेरा बेटा? पे करते हो मिस्टर जो हसन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि भाई जो इनकी प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम का मतलब होता है बीमा की किस्त, इंश्योरेंस की किस्त को जो है वो हम प्रीमियम कहते हैं। अगर हम इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, वैसे प्रीमियम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी जो है वो समझा जाता है, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रीमियम और इंश्योरेंस से मुतालिक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम का मकसद होगा कि बीमा की किस्त। हमें ये बताना है कि जो मिस्टर हसन है वो अपनी इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है हर साल सालाना तौर पर या मंथली या क्वार्टरली के ऊपर कितना पे करते हैं। तो हमें सबसे पहले डाटा बनाना आना चाहिए, जो कि हमने बहुत पहले सीखा हुआ है, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले डाटा के अंदर हम क्या करते हैं? गिवन और अनगिवन चीज़ों को लिख देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन था वो क्या था? हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो गिवन थी, वो हमने लिख दी। और हमारा जो प्रीमियम था बेटा वो हमें नहीं पता, प्रीमियम फाइंड करना था, वो भी हमने लिख दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रीमियम रेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रीमियम रेट, ठीक है। तो अब हमने उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं जो कि मैथमेटिशियन में बनाकर दिया कि जब भी आपको प्रीमियम निकालना हो, प्रीमियम का अमाउंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम इज इक्वल टू इंश्योरेंस पॉलिसी मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम रेट। मींस आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? आप उसको प्रीमियम के रेट से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी बेटा, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की जगह पर आपने यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी? आपकी 1 करोड़ 20 लाख थी, जो कि आपको सवाल में गिवन थी। आपने यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी की जगह पर इंश्योरेंस पॉलिसी को लिख दिया, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई आ गया मेरा बेटा, और प्रीमियम रेट की जगह पर आपने प्रीमियम रेट लिख दिया। जब भी परसेंटेज का निशान हटता है मेरा बेटा, सॉल्व करते हैं, 2% है तो हम डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मैंने कर्व में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, ये डिवीजन को शो करती है और ये वाली लाइन भी डिवाइड को शो करती है, ठीक है। तो हमने जब इसे 1 करोड़ 20 लाख को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, जो आंसर आया उसको 100 से डिवाइड करवाया मेरा बेटा, तो हमारे पास आंसर आया 2,40,000। जो हमारे मिस्टर हसन है वो जो इंश्योरेंस का अमाउंट देते हैं, जो इंस्टॉलमेंट देते हैं, जो कि बीमा की किस्त है, वो कितनी देते हैं? 2,40,000 रुपये। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, आ कार ब्रॉड फॉर ₹10 लाख, कार एक गाड़ी खरीदी, आ कार का मतलब एक गाड़ी खरीदी, ब्रॉड का मतलब पास की बात हो रही है, एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 5%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है बेटा कमी आना, आप चेक कर सकते हो, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी आना, ये जो है वो एक अकाउंट से रिलेटेड वर्ड है आपके पास, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी आना। अब बोल रहे हैं जो गाड़ी है वो आपकी, उसकी जो कीमत है, उसकी जो कॉस्ट है, वो 10 लाख रुपए है, और वो हर साल 5% के हिसाब से, अगर आप 10 लाख का, किसका 10 लाख का, अगर 5% निकालो, उसकी हर कीमत में 10 लाख कीमत थी, उसकी कीमत में हर सालाना तौर पर, ईच ईयर का मतलब हर साल, हर एक साल में उसकी कीमत में 5% कमी आती है, ये आपके एसेट्स कहलाते हैं बेटा। अगर आप इसे अकाउंट्स की जो है वो लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करोगे, तो हर चीज़ के ऊपर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ उतने की नहीं रहती सिवाय बिल्डिंग और लैंड के, ज़मीनों के, जो ज़मीन एक वाहिद ऐसा एसेट है बेटा, फिक्स एसेट, जिसकी कीमत में हमेशा इजाफा ही होता है, जिसकी कीमत में जो है वो डेफिशिएंसी नहीं आती। लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें हमारी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, या हमारे जो है वो घर की टेबल हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब चीज़ों में वक्त के साथ साथ कमी आती है। फ़ैन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों में कमी आती है। तो इन सब चीज़ों में जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसकी कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। बोल रहे हैं गाड़ी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, कितनी खरीदी थी? 10 लाख रुपए की, उसकी कीमत में हर साल 5% कमी आती है। तो देखिएगा उसके आगे से, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ परचेज। मीन्स हमने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, जिसकी कीमत में हर साल 5% क्या होता है? कमी आती है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि 5% कमी आती है, और इसका इंश्योरेंस रेट जो है ना, डेप्रिशिएट रेट जो है, वो भी आपको यही दिया हुआ है कि भाई जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है इंश्योरेंस की, वो 5% के हिसाब से देनी है। तो बेटा किस तरह से दोगे आप? बोल रहे हैं आप बताओ कि भाई आप पहले साल में कितना इंश्योरेंस पे करोगे, दूसरे साल में और तीसरे साल में। ये बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले डाटा बनाया, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार, कॉस्ट प्राइस कीमत है, ख़रीद कितनी थी बेटा? 10 लाख रुपए। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख लेना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है आपको? 5%। कितना दिया हुआ है? 5%, TION लिख देना, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है आपको 5%।
सॉल्यूशन लिखा आपने बेटा, उससे पहले चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। आपने लिखा प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर, अब आप प्रीमियम जो पेड करोगे वो पहले साल के अंदर, बहुत सिंपल है। आपने 10 लाख लिखा, मल्टीप्लाई आया 10 लाख का 5% निकाल लिया, कितना निकालिया 10 लाख का 5% तो कितना आया बेटा 50,000। बहुत सिंपल है, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ कि आप अगर लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप 10 लाख को मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, 5 से, और डिवाइड करवा दोगे किससे, 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 50,000 रुपये, ठीक है ना। अब आपकी गाड़ी की कीमत दूसरे साल कितनी हो गई, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा गाड़ी की कीमत आपके पास कितनी हो गई, आपके पास गाड़ी की कीमत हो गई तकरीबन 9,50,000। गाड़ी की कीमत आपके पास कितनी हो गई, तकरीबन 9,50,000, ठीक है। अब आप दूसरे साल का जब निकालोगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी की जो कॉस्ट थी उसी कीमत में 50,000 रुपये कमी आ चुकी है। अब सेकंड में जो है वो जब 5% रेट निकालोगे इंश्योरेंस की किस्त का, तो 5% को कम करके, मीन 50,000 को कम करके ही निकालोगे, तो 10 में से आपने 50,000 को माइनस करे तो बेटा सेकंड ईयर में गाड़ी की कीमत कितनी है, 9,50,000। आपने 9,50,000 की गाड़ी की कीमत कितनी है बेटा, 9,50,000। आपने 9,50,000 रुपये के ऊपर 5% रेट लगा दिया सिंपल, और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया। जब आपने 9,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करा, डिवाइड बाय 100 करा, तो आपका आंसर आया 47,500। बेटा जो थर्ड ईयर कॉस्ट है गाड़ी की वो हो चुकी है आपकी 9,02,500, ठीक है। इसको आप, इसके ऊपर भी आप 5% रेट चार्ज कर दोगे बेटा, तो 9,02,500 के ऊपर आपने 5% जो है वो रेट लगाया, तो आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बनी है वो कितनी बनी है मेरा बेटा, 45,125 रुपीज़। तो हम बढ़ते हैं आगे, ज़रा देखिएगा, समीरा ड्रॉस अ मंथली सैलरी ऑफ 35,000 इफ़ द टैक्स रेट 5%, हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर। बोले जो समीरा है वो सैलरी जो है वो निकालती है कितनी, 35,000 रुपये। कितनी सैलरी लेती है बेटा वो, 35,000 रुपये सैलरी लेती है, उसका जो टैक्स रेट है वो कितना है, 5%। मीन्स जो गवर्नमेंट ने इनकम के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है वो कितना लगाया हुआ है, 5%। हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर। अब ये बोलने जो समीरा है वो कितना इनकम टैक्स जो है वो पे करती है एक साल के अंदर। हमारे पास जो सैलरी थी वो कितनी थी, हमारे पास मंथली सैलरी थी, ठीक है, लेकिन हम जो इनकम टैक्स रेट हमें दिया हुआ है हमें उसको ईयरली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले इसकी पूरे साल की इनकम निकाल लेंगे, और साल में आपको पता है कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम 35,000 को, क्योंकि हर महीने क्या होता है मेरा बेटा, हर महीने उसको 35,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, हमें उसकी पूरी साल की इनकम को कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप 35,000 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, 12 से। किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे मेरा बेटा, 12 से, तो आपके पास उसकी जो ईयरली इनकम है वो आ जाएगी, और वो कितनी बनी, 4,20,000 रुपये, ठीक है। अब आपको इनकम टैक्स का अमाउंट फाइंड करना है, तो आपके उससे आगे आपने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और आपने फॉर्मूला लिखा, और जब भी आपसे वो इनकम टैक्स का अमाउंट फाइंड करना होगा, इनकम टैक्स अमाउंट लिख दिएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ना अमाउंट लिख दिएगा। जब भी आपको इनकम टैक्स का अमाउंट फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, ठीक है। वो कैसे करोगे ज़रा देखो, इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स रेट। टैक्सेबल इनकम वो होती है इसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, तो हमें टैक्स इस पर लगाना है, पूरे साल की जो इनकम बनी है इस पर लगाना है, हम टैक्सेबल इनकम की जगह लिख देंगे 4,20,000, और इनकम टैक्स रेट हमारे पास सवाल में गिवन है ये रहा, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5, और परसेंटेज निशान जब हट्टा है बेटा तो क्या लगाते हैं, 100, ठीक है। तो 4,20,000 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, जो आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इजीली आ जाएगा इनकम टैक्स अमाउंट जो किसने पे करना है, समीरा ने पे करना है, ठीक है। पूरे साल का जो उसका इनकम टैक्स का अमाउंट बना वो कितना बना, 21,000। मींस इन दी एंड समीरा जो है वो पे करेगी कितना, 21,000 रुपये गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स ऑफिसर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है उसको, ठीक है। अब देखो ज़रा, 7 मेक्स एन एनुअल इनकम, बोले 7 की जो एनुअल इनकम है वो है 5 करोड़, ठीक है। देखो किस तरह से, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और करोड़, तो बोले जो 7 की सालाना इनकम है, सालाना आमदनी है, इनकम आमदनी को बोलते हैं, वो कितनी है, 5 करोड़। इफ़ ही पेज रुपीज़ 50,000 इन इनकम टैक्स, बोले अगर ये 50,000 रुपये इनकम टैक्स में देता है, अगर ये 50,000 रुपये इनकम टैक्स में देता है, वॉट इज़ द इनकम टैक्स रेट, तो बोले इनकम टैक्स रेट क्या होगा, बोले इनकम टैक्स रेट क्या होगा, तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू 5 करोड़, ठीक है। इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, इनकम टैक्स रेट इज इक्वल टू, हमसे यहाँ पर इससे पहले वाले में अमाउंट पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमसे रेट पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, रेट, मतलब बोलने भाई 7 की जो सालाना आमदनी है, पूरे साल में 7 कितने कमाता है, 5 करोड़ रुपये कमाता है, ठीक है, और इनकम टैक्स वालों को कितने पैसे देता है, 50,000 रुपये देता है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इसका रेट क्या है, ये किस रेट के हिसाब से पैसे दे रहा है, तो उसका जो रेट है बेटा वो ज़रा देखिएगा, वो रेट हमें पता ही नहीं, हमें तो रेट बताना है, हमें जो है वो अमाउंट दिया हुआ है, और हमें जो है वो उसकी सालाना आमदनी दी हुई है, हमें आमदनी और अमाउंट दिया हुआ है, हमें इनकम टैक्स रेट बताना है। तो जब भी हमसे वो इनकम टैक्स रेट का पूछेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, इनकम टैक्स रेट इज इक्वल टू इनकम टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो आपके पास जो इनकम टैक्स अमाउंट था वो कितना था, 50,000 रुपये, वो आपने ऊपर रखा, टैक्सेबल इनकम कितनी थी बेटा, 5 करोड़, वो आपने नीचे रखी, मतलब ये डिवाइड में लिखा हुआ है, 5,000 रुपये ऊपर
और 50,000 रुपये नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, और आपने आगे फॉर्मूले का 100 है, आपने मल्टीप्लाई बाय 100% लगा दिया, ठीक है। अब आप 50,000 को यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर लीजिएगा, 50,000 को आप डिवाइड करवाओगे 5 करोड़ से और मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से, तो आपका जो इनकम टैक्स रेट बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 0.1%। तो आप लिख सकते हो इजीली कि भाई हमारा जो इनकम टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट IR से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, इनकम टैक्स रेट जो है आपका वो कितना है, 0.1%, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बेटा, ज़रा देखें, और जो हमारा नेक्स्ट है बेटा वो ज़रा देखिएगा, द न्यू टैक्स लॉ स्टेट दैट द सैलरी इनकम अप टू ₹1,00,000 एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ जेम्स अर्न अ मंथली सैलरी ऑफ ₹40,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय हिम, अज्यूम द इनकम टैक्स रेट इज 4%। बोल रहे हैं भाई ये जो न्यू टैक्स लॉ है वो क्या है, एक जो न्यू टैक्स लॉ स्टेट डेट वो हमें बताता है कि सैलरी इनकम अप टू ₹1,00,000, बोल रहे हैं सैलरी जो है अप टू का मतलब होता है तक, बोल रहे हैं जो आपकी आमदनी है, जो तनख्वाह वाली आपकी आमदनी है वो अगर 1,00,000 तक है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो जो है वो एग्जेम्प्ट है, उसको एग्जेम्पशन मिली है, मतलब 1,00,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ज़रा इसमें यहाँ से एक जीरो कम कर लीजिएगा, क्योंकि 1,00,000 रुपये पे आपके पास कितने जीरो आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 जीरो आते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं आपको 1,00,000 रुपये जो है वो ऐसा अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती, अगर आप पूरे साल के 1,00,000 से ज़्यादा कमाते हो तो उस पर टैक्स लेगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3,00,000 कमाते हो तो 3,00,000 में से 1,00,000 रुपये ऐसा अमाउंट है जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, तो फिर आप कितने अमाउंट का टैक्स दोगे, आप 3,00,000 में से 1,00,000 माइनस कर दोगे, कितना बचा, 2,00,000। तो आप 2,00,000 के हिसाब से जो टैक्स बनेगा आपका वो आप गवर्नमेंट को दोगे। मीन्स ये एक लॉ है नया कि जो भी अगर 1,00,000 इसकी 1,00,000 के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, अगर आप 1,00,000 से ज़्यादा जाते हो, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, और 5,00,000 में से 1,00,000 हटा दो, कितने बचे, 4,00,000, तो उस वाली जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें जितना भी आप कमाते हो उसमें से 1,00,000 निकालने के बाद जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, 1,00,000 रुपये के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, सिंपल। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि इफ जेम्स अर्न अ मंथली सैलरी ऑफ ₹40,000, बोल रहे हैं अगर जो जेम्स हैं वो 40,000 रुपये महीना कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 40,000 रुपये महीना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, तो उनके जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो क्या बनेगा, पेड बाय हिम वो कितना अमाउंट देंगे, अज्यूम द इनकम टैक्स रेट इज 4%, बोल रहे हैं अज्यूम करें जो आपका इनकम टैक्स रेट है वो कितना है, 4%, मतलब आपको इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो आपको पता है आपको इनकम टैक्स रेट जो अप्लाई करना है वो एनुअल सैलरी के ऊपर करना है, सालाना तनख्वाह के ऊपर। अभी आपको कौन सी दी हुई है, महाना तनख्वाह दी हुई है, मतलब मंथली सैलरी दी हुई है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, आपको पता है क्योंकि हमें जब भी मंथ से ईयर में जाना होता है मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरे साल की सैलरी निकल कर आ गई, सही, कितनी आ गई बेटा, 4,80,000। अब इनकम टैक्स रेट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा इनकम टैक्स रेट 4%, आपने इनकम टैक्स की जगह पे आपने 4% लिख दिया। इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इनकम टैक्स अमाउंट हमसे पूछा हुआ है तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, बहुत सिंपल था आपका ये। अब आप यहाँ पे 4,80,000 बन रही है मंथली, लेकिन हम यहाँ पर लिख लें 3,80,000 रुपये, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि हमारा जो लॉ है उसमें क्या बोलते हैं कि जिस 1,00,000 रुपये आपने जितना भी आप कमा रहे हो 1,00,000 रुपये आपने माइनस करके टैक्स चार्ज करना, तो 4,80,000 में से जब हमने माइनस करे 1,00,000 रुपये, कितने माइनस करे बेटा, 1,00,000 रुपये जब हमने माइनस करे तो हमारा अमाउंट बना 3,80,000, कितना बना, तो हमने 3,80,000 रुपये के ऊपर 4% जो है वो क्या लगा दिया, रेट लगा दिया इनकम टैक्स। तो फिर हम 3,80,000 को मल्टीप्लाई करा 4 से, डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास आंसर आया मेरा बेटा, इनकम टैक्स अमाउंट हमारा कितना बना, 15,200। तो इस तरह से हमने इनकम टैक्स अमाउंट को बता दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें, और जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो तकरीबन 12 हो चुकी हैं, 7 जो थी वो पहले वाले में थी बेटा, तकरीबन 6 से 7, और अभी जो है वो आपकी 5 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो टोटल 12 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है, ट्रू फॉल्स भी करने हैं बेटा, और MCQs भी करने हैं, ठीक है। जब तक के लिए तो बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी।